सर, कर्नाटक को लेकर सर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इसमें मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंग बली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं जिससे पहले आपको लगाया था। मोदी जी फेंकने में बहुत मन है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं, बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगाया, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए, बजरंग दल को बैन लगाने के बाद, क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है, अडानी का शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडन मार्केट जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं वो, या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे इंकानवे बार गाली दी वो बात बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा।